दोस्तों, पढ़ाई तुम्हार द्वार यानी कि सीजी स्कूल पोर्टल के मुख्य पेज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर ऐड होने वाला है। उस फीचर का नाम है आकलन तथा उपचारात्मक शिक्षण। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं, ये यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके अंतर्गत चार विकल्प और हैं। पहला मार्गदर्शिका, दूसरा आकलन की प्रविष्टि करें, तीसरा आकलन संदर्शिका रिपोर्ट और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण हेतु ई सामग्री। असेसमेंट आकलन की ऑनलाइन एंट्री। दोस्तों, ऑनलाइन एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल में लॉगिन होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब सीजी स्कूल पोर्टल में जोड़े गए नए विकल्पों के बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं कि इन विकल्पों से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी और विद्यार्थियों का आकलन इन नए विकल्पों के माध्यम से कैसे करेंगे। पहला बिंदु है मार्गदर्शिका। इस विकल्प में टैप करके आप आकलन संबंधी मार्गदर्शिका डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया गया है। इसमें भाग एक और भाग दो है। मार्गदर्शिका की सहायता से आप पोर्टल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं और अपने विद्यार्थियों के आकलन करने में आवश्यक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है आकलन की प्रविष्टि करें। इस विकल्प के माध्यम से आपको फरवरी और आगे के महीनों की आकलन की ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। इसके बारे में विस्तार से आगे बताया गया है। तीसरा बिंदु है आकलन संबंधित रिपोर्ट। इस नए विकल्प में जाकर आप अपने बच्चों की किए गए आकलन की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे बच्चों ने कौन कौन सी दक्षता हासिल किया है। चौथा बिंदु है उपचारात्मक शिक्षण ई सामग्री। इस चौथे विकल्प में जाकर आप उन विद्यार्थियों के लिए ई सामग्री प्राप्त कर सकते हैं जिनको उपचारात्मक शिक्षण देना है। उपचारात्मक शिक्षण उन बच्चों के लिए है जिन्होंने निर्धारित दक्षता को समय में पूरा नहीं कर पाए हैं, अर्थात जो दक्षता विद्यार्थी के लिए निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में उन बच्चों में उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दक्षता लाना है। विद्यार्थियों का समूह विभाजन। आप अभी तक बच्चों की कक्षा का चयन करके उनका आकलन कर रहे थे, लेकिन अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 3 समूहों में बांट दिया गया है, समूह 1, समूह 2 और समूह 3। पहला समूह, इस समूह में कक्षा 1 और कक्षा 2 को शामिल किया गया है। दूसरा समूह, इस समूह में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को शामिल किया गया है और तीसरे समूह में कक्षा 6, 7 और 8 को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप जनवरी माह के आकलन को हाँ या नहीं का चयन करके करते थे, लेकिन फरवरी माह के आकलन को बच्चों की दक्षता अनुसार विभिन्न मापदंडों का चयन करके करना है।